दोस्तों, अगर आपको नींद में सपने आने बंद हो जाए तो आप पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि दिन में हमारा मन बहुत सी बातों को दबा और छिपा लेता है और रात सपनों में उन दबी हुई बातों का खुलासा होता है। इसलिए अक्सर हमें वही सपने आते हैं जिसकी हमें चाह होती है। दिन में हम बहुत से दुखों से बचने के लिए बहुत सी चीजों को याद नहीं करते, लेकिन रात के समय में वो दबी हुई फीलिंग सपनों में जरूर आती है। आप कभी नोटिस करना, दिन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे मन में आ जाता है जिसके बारे में हम नहीं सोचना चाहते, तो हम खुद से कहते हैं कि छोड़ो ना, उस इंसान के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके अंदर वो बात दब गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बात बहुत बारीक लेवल पर मन के किसी हिस्से में छिप जाती है और रात जब हम सोते हैं तो सपने में उस व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसके बारे में सुबह हमने सोचने से रोक लगाई थी। कई बार हमें सपने आ रहे होते हैं और यदि एकदम से कोई हमें उठा देता है तो हो सकता है हमारे सर में दर्द हो जाए या हो सकता है हमारा पूरा दिन ही खराब जाए, क्योंकि हम सपने के बिना जी नहीं पाएंगे। हमारे अंदर बारीक हिस्से में वो बातें दब जाएंगी। रात सपने में अक्सर आप वो जिंदगी जीते हो जो आप असल जिंदगी में जीना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश जी नहीं पा रहे हो। रात भर में हम लगभग 12 बार सपने में प्रवेश करते हैं जिससे मन में दबी हुई गंदगी बाहर निकलती है और हमें सुबह बेहतर महसूस होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको नींद आने की वजह से बेहतर महसूस नहीं होता, बल्कि सपने के द्वारा दबी और अधूरी इच्छाओं का खुलासा होने की वजह से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, तब आपको बेहतर महसूस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।